आज का जो हमारा प्लान है एक 32x35 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है, जिसमें कि हमने एक 3 BHK प्लान किया था। सो चलते हैं प्लान की तरफ, देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है। फर्स्ट हमारी इसकी जो विड्थ है वो 32 फीट की है। एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो 35 फीट की है। फर्स्ट हमने यहाँ पे एक गेट प्रोवाइड किया हुआ है। गेट से हम एंटर करेंगे हमारे पार्किंग एरिया के अंदर। इस पार्किंग का जो हमारा साइज होगा वो 11 फीट बाय 17 फीट 6 इंचेस का होगा। जिसमें कि हमारा 11 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 17 फीट 6 इंचेस हमारी इसकी ओवरऑल लेंथ होगी। देन यहाँ मेन डोर से हम एंटर करेंगे हमारे लिविंग रूम के अंदर। इस लिविंग रूम का जो हमारा साइज होगा वो 16 फीट बाय 10 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 16 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 10 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ लिविंग रूम के फ्रंट में ही हमने स्टेयर्स का एरिया प्रोवाइड किया हुआ है। हमारी स्टेयर्स की जो विड्थ होगी वो 3 फीट वाइड होगी। 3 फीट वाइड हमारी ये स्टेयर्स होगी। यहाँ से हमारी स्टेयर्स जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी। देन यहाँ इस पोर्शन में हमने गेस्ट रूम प्रोवाइड किया हुआ है। कोई भी हमारा गेस्ट आएगा वो इसको यूज़ कर सकता है। इस बेडरूम से अटैच हमने एक WC एंड बाथ भी प्रोवाइड किया हुआ है। इस गेस्ट रूम का जो हमारा साइज होगा वो 12 फीट बाय 11 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 12 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 11 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस बेडरूम से जो अटैच हमने टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया हुआ है, इसका जो हमारा साइज होगा वो 6 फीट बाय 4 फीट 6 इंचेस का होगा। जिसमें कि हमारा 6 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट 6 इंचेस हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने कॉमन टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया हुआ है। इसका जो हमारा साइज होगा वो 7 फीट बाय 4 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 7 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 11 फीट बाय 12 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 11 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने किचन का एरिया प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे किचन एरिया के अंदर। इस किचन का जो हमारा साइज होगा वो 7 फीट बाय 12 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 7 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम के अंदर। सेकेंड बेडरूम जो हमारा वो भी एक मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम से भी अटैच हमने टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया हुआ है। इस बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 12 फीट बाय 12 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 12 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस बेडरूम से अटैच जो हमने WC एंड बाथ प्रोवाइड किया हुआ है, इसका जो हमारा साइज होगा 6 फीट बाय 5 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 6 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 5 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस प्लान में हमने जितने भी डोर्स प्रोवाइड किए, जो हमारा मेन डोर है इसका जो हमारा साइज होगा वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। देन जितने भी डोर्स को हमने डी से डिनोट किया है, इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट 6 इंच इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। देन जितने भी डोर्स को हमने D1 से डिनोट किया है, इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 6 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान में हमने जितने भी विंडोज प्रोवाइड किए, जितने भी विंडोज को हमने W से डिनोट किया है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज होगा वो 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 4 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज को हमने W2 से डिनोट किया है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज होगा वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज को हमने V से डिनोट किया है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 2 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान का हमारा जो ओवरऑल एरिया होगा वो 1120 स्क्वायर फीट का होगा। एंड हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 12-14 लैक्स के अराउंड आएगा, जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का प्लान, जो कि 32x35 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान था, जिसमें कि हमने एक 3 BHK प्लान किया था।